भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है कि सुसमाचार बाहर सुनाने से पहले, बाहर लोगों को परमेश्वर के वचन सुनाने से पहले, हमें अपने घर में जो है सुसमाचार को सुनाना चाहिए। हमें अपने पिता को, हमारी माता को और हमारे भाई बंधुओं को सबसे पहले जो है वचन को सुनाना चाहिए। अगर हम वचन उनको नहीं सुना पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं। हमारे अंदर कौन सी गलतियां हैं? हमारे अंदर जो है गुस्सा भरा है, छोटी छोटी सी बातों पे नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे क्रोध में आ जाते हैं। इसीलिए हमारा परिवार जो है अब तक मसीह में नहीं आया है। हे भाई और बहनों, क्या आप भी परमेश्वर के घर में काम करते हो, सेवा करते हो, गाना गाते हो, म्यूजिक बजाते हो, वचन सुनाते हो, झाड़ू लगाते हो, खाना बनाते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन वही टाइम पे अगर आप अपने घर में अच्छा बर्ताव नहीं करते हो, गुस्से में रहते हो, क्रोध में रहते हो, तो भाई और बहनों, इस तरह से आप अपने परिवार को कभी नहीं बचा पाओगे। आप अपने परिवार को कभी सुसमाचार ही नहीं सुना पाओगे। आप अपने परिवार को कभी परमेश्वर का वचन नहीं सुना पाओगे। अगर आप अपने परिवार को अपर वचन भी अगर सुनाने की अगर कोशिश भी करोगे तो आपके माता पिता, आपके भाई बहन ये बोलेंगे कि पहले अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर, बाद में आके हमें सुसमाचार को सुनाना। हे भाई और बहनों, काफ़ी लोग जो है अपने घर में इसलिए सुसमाचार नहीं सुना पाते हैं क्योंकि वो खुद गुस्से में भरे होते हैं। हे भाई और बहनों, हमें गुस्सा नहीं दिखाना है, हमें प्यार दिखाना है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, उन्होंने अपने आप को दीन किया, नम्र किया और प्यार दिखाया, क्रोध नहीं दिखाया, प्यार दिखाया। क्रोध करके हम सब लोगों को खो देते हैं, लेकिन अगर हम प्यार करेंगे तो सबको हम पा लेंगे। हे भाई और बहनों, आप क्रोध करके अपने परिवार को आपसे दूर, परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि मेरा परिवार जो है मैं मेरे क्रोध के कारण मुझसे दूर हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए, तो आज फैसला आपको करना है। आपको अपने आप को बदलना है कि मैं आज से प्यार से रहूँगा। प्रभु जी, लोगों के सामने नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मैं अपने परिवार में भी प्यार से रहूँगा। अगर आप प्यार के साथ अपने परिवार के साथ रहोगे तो भाई और बहनों, उनको सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके प्यार को देख के ही समझ जाएंगे कि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर की आत्मा जो है आपके अंदर है। अगर आप गुस्से में रहोगे तो आप ही के परिवार के लोग आपके लिए गवाही देंगे कि वेस्ट है, इसकी सेवा करना सब कुछ वेस्ट है और व्यर्थ है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। उत्तावली से क्रोधित ना हो जाना, क्योंकि क्रोध जो है मूर्खों के हृदयों में रहता है। गुस्सा करना, बार बार गुस्सा करना, टोकना, नाराज हो जाना, गाली दे देना, किसी की बेइज्जती कर देना, ये सारी जो है मूर्खों की निशानी है। परमेश्वर के बच्चों की निशानी ये नहीं है। परमेश्वर अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता है। परमेश्वर अपने बच्चों को प्यार करना सिखाता है, दीन बनना सिखाता है, सहना सिखाता है और झुकना सिखाता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि आपका परिवार आज भी परमेश्वर से दूर है, क्या आपका परिवार आप भी चर्च में नहीं आता है? तो भाई और बहनों, हमें अपने भी गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। उनके सामने नाराज हो जाएंगे, गाली देना शुरू कर देंगे तो वो लोग यही कहेंगे, इसका ही जीवन नहीं बदला तो ये हमारा जीवन कैसा बदलेगा। अगर हमें अपने परिवार का जीवन को बदलना है तो पहले जो है हमें अपने आप को जो है बदलना पड़ेगा। जब हम अपने आप को बदल देंगे तो हमारा परमेश्वर जो है हमारे परिवार को बदल देगा, उन्हें नाश होने से बचा देगा और शैतान के सारे तीरों को वो नाश कर देगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप गुस्से से ना, प्यार से काम करो, समझदारी के साथ काम करो, क्योंकि क्रोध करना
क्रोध जो है मूर्खों के हृदयों में होता है, लेकिन हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर प्यार होना चाहिए सबके लिए। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।